हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका फिर से मॉडर्न विलेज लाइफ में। तो आज 1 जनवरी 2023 की शुरुआत हो गई है। तो आज हम आपको सबसे पहले धनबाद का, जो मेरा घर धनबाद में है, वहाँ का भेजी गार्डन का ओवरव्यू दिखाते हैं। सब काफ़ी सारा फसल लगा हुआ है। ये कैबेज है, कॉलीफ्लावर, इसे मैंने 3 दिन पहले ही फिल्म किया था। और इधर बीन्स हैं, मटर, काफी सारे मटर लगे हुए हैं। और इधर बीन्स काफी सारा लगा हुआ है, ये गुच्छों में फलते हैं। और ये वेजी गार्डन है गोविंदपुर में, मेरे पापा का घर है। और अब मैं अपने गार्डन में आ गई हूँ और आपको 1 जनवरी का जो भी एक्टिविटी है बताते हैं और दिखाते हैं गार्डन में हम क्या क्या आज करेंगे। तो सबसे पहले लम्स कैबेज हार्वेस्ट करेंगे, क्योंकि आज लंच में से हम पकाएंगे लम्स कैबेज या फिर गांठ गोभी। आप किस नाम से इसे जानते हैं कमेंट कीजिएगा। बहुत ही सुंदर लगता है देखने में और खाने में भी काफ़ी स्वादिष्ट होता है। रेड कैबेज, और इधर काफ़ी सारा लम्स कैबेज है, गांठ गोभी है, सभी तैयार है। एक छोटे से क्यारी में हमने 20 से 25 लम्स कैबेज लगाए थे। और आज हम मूली भी हार्वेस्ट करेंगे, क्योंकि मूली का अचार बनाना है और उसकी भी रेसिपी आपको बताएंगे। घर की मूली की बात ही कुछ और होती है। इसमें हम किसी भी तरीके का कोई जो खाद होता है मार्केट का हम नहीं मिलाते हैं, कोई भी तरीके का फर्टिलाइजर खरीद कर हम नहीं डालते हैं। हम क्या डालते हैं वो भी हम आपको आज बताएंगे। पूरे तरीके से यह ऑर्गेनिक है। करीब 1.5 से 2 केजी होगा ये। और आगे दूसरे तरफ लिए चलते हैं, ये है ग्लाइडोली का स्टिक्स। अभी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गया है। हमने जब बल्ब्स लगाए थे तो आपको दिखाया था, करीब 11 बल्ब्स लगाए हैं, सभी डेवलप हो गया है और फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गया है। कुछ मैरीगोल्ड के भी फ्लावर हैं। इधर कैलेंडुला है। और हम धनबाद से इस बार कुछ प्लांट्स लेकर के आए हैं। ये है क्लांचू। धनबाद में बहुत बड़ा नर्सरी है, ये पॉइनसेटिया और ये डायंथस। और ये एक स्ट्रॉबेरी लाया है, मेरे घर में तो छोटू साहबान है वो लोगों के लिए, और इसे ब्लू मून रोज़ बताकर दिया है। कलर इसका शायद लाने की वजह से थोड़ा चेंज हो गया था, थोड़ा ब्लूइश कलर में था। आगे देखते हैं। और थोड़ा गुलदाउदी का लुक आपको दिखाते हैं। अभी पुष्प
फुल ब्लूमिंग में है। ये कुछ नए प्लांट्स हम लेकर के आए हैं, छोटे छोटे फ्रॉक्स है, पॉइनसेटिया, सॉरी पॉइनसेटिया नहीं, ये पिटूनिया है। और ये छोटे से क्यारी में बहुत सारे छोटे प्लांट्स लगाए हैं, जैसे एस्टर है और कुछ है, एंट्री हिलम या कुछ कहते हैं, अभी नाम मुझे पूरी तरह से याद नहीं है। और गार्डन के कोना में हमने बहुत सारे छोटे छोटे कटिंग्स लगा कर रखे हुए हैं, जितने भी प्लांट्स हैं हमने बारिश के दिनों में कटिंग्स लगा दिए हैं, क्योंकि लोग लेने के लिए आते हैं तो ले करके जाते हैं। सभी तरह के प्लांट्स का कटिंग यहाँ पर है और हम लगाते भी जाते हैं, लगातार लगाते भी जाते हैं। इधर ब्लीडिंग हार्ट भी है, ड्रैगन फ्रूट का भी कटिंग है, और अब आपको बताते हैं हम अपने प्लांट्स में क्या डालते हैं। ये मेरे गार्डन के एक कोने में लास्ट में एक छोटा सा हॉग जैसा बनाया हुआ है सीमेंटेड, और एक छोटा सा उसमें दरवाजा भी है जो अभी बंद किया हुआ है। सब इसी में हम डालते हैं, गार्डन वेस्ट और किचन वेस्ट, सिर्फ पत्ते और सब्जी के छिलके, सब्जी फल के छिलके ही हम डालते हैं। इस सफ़ेद कंटेनर में भी डालते हैं और इन घड़ों में भी डालते हैं। आज ही इन सभी को खाली किया है और आज से फिर स्टार्ट हो गया है भरना। और एक घड़े को खोल कर आपको दिखाते हैं, आज हमने भरे हैं, ये ताज़े हैं और ये इसमें सूखे हुए पत्ते हैं और इसमें अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। हम इन सभी को डालने के बाद में थोड़ा मिट्टी का लेयरिंग कर देते हैं और फिर से डालते हैं और फिर मिट्टी का लेयरिंग करेंगे। इस तरीके से करके साल भर हम इसे करेंगे। और पिछले साल से जो हमने जमा किया था, आज सुबह सब खाली किए, दो कंटेनर और तीन घड़ों को, तो उसका ये है बिल्कुल, ये मिट्टी में चेंज हो चुका है। किसी तरीके का कोई बदबू या स्मेल बिल्कुल नहीं, कोई कीड़ा नहीं। हम इसे धूप में सुखा कर छान कर रख लेंगे। लगभग ये 50 kg है। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए और एंजॉय कीजिए।